11 वाला हमारा एक बेसिक फॉर्म बनाना है जिसमें स्टूडेंट आईडी, एज, जेंडर, मार्क्स स्टोर करने हैं। ठीक है, फिर बटन से ऐड करने हैं जिसके थ्रू जो है आपने ऐड, डिलीट, अपडेट करना है रिकॉर्ड को मेमोरी के अंदर। फिर एक मेन्यू स्ट्रिप बनाना है जिसके थ्रू जो है फाइल को लोड किया जा सके और रिकॉर्ड्स को रीड किया जा सके। तो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं सबसे पहले। हाँ, ये लैब नंबर हमारी 6 है। स्टूडेंट आईडी, एज, जेंडर, मार्क्स। पहले मैं GUI बना रहा हूँ इसकी। ठीक है, जेंडर में मैं दो वैल्यूज डाल दे रहा हूँ, मेल और फीमेल। बाबा काम कर रहे हैं, जाइए यहाँ से। SID नाम इसकी चेंज कर दे रहे हैं, एस एज एस जेंडर एस मार्क्स। ठीक है, फॉर्म का कैप्शन चेंज कर दे रहे हैं, लैब नंबर 6 आयो। ठीक है जी, अब इसको चला के देख लेते हैं बेटा एक दफा। ठीक है जी, पापा क्लास ले रहे हैं, आ जाओ अम्मा।
अच्छा दो लोगों ने हाथ रेस किए हुए। जी बेटा जोरा। कोई क्वेश्चन है? जी जोरा। नो क्वेश्चन, आगे चलते हैं। सारा का क्वेश्चन है। जी सारा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सर मुझे ये बताइएगा, आपने जेंडर में मेल और फीमेल कैसे इंसर्ट किया है? बहुत सिंपल है बेटा, ये देख रही हैं आप, यहाँ पे इस पे जी छोटा सा एरो बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एडिट आइटम। ओके ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू बेटा। अच्छा जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रीवियस के बटन बना लेते हैं हम। ये प्रीवियस का बटन लगा दिया। और यहाँ पे नेक्स्ट का बटन लगा दिया। ठीक है, जी सारा। क्वेश्चन है कोई? नहीं सर, गलती से रेज हैंड हो गया था, कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा जी, अपडेट और डिलीट के बटन बना लिए। ठीक है जी, अब कोर्ट पे आ जाते हैं। जरा ऐड पे क्या करना है, अब हमने सबसे पहले जो है एक एरे लिस्ट लेनी होगी हमें, जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखनी है, और उसके